Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, today's video is going to be super duper fun and amazing. And yes, if you guys don't like my video or comment or share or subscribe to my channel, then कुछ नहीं यार, कुछ नहीं होगा, मजे करेंगे, फन करेंगे. एंड यस, ये जितना भी मैंने एफर्ट किया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना. इसके अंदर इतनी घुटन हो रही थी ना, मैं क्या बोलूं. ओ माय गॉड, ये टेप पे मार के जो किया ना, ये मेरा टी शर्ट, आई नीड सम स्पेस. थैंक यू, आज काम आ गया. So today we are going to play. मैं और मेरी सिस्टर प्ले करने वाले हैं शुगर हनीकॉम गेम फ्रॉम स्क्विड गेम सीरीज. और बहुत ही हर जगह यही चल रहा है, इंस्टा ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, हर जगह बस इसी के चर्चे हो रहे हैं. एंड यस, मैंने सीरीज पूरी फिनिश कर ली है और मुझे सीरीज बहुत ही प्यारी लगी. सो आई जस्ट थॉट कि आपको एंटरटेन करने के लिए ऐसा कुछ डिफरेंट लेके आते हैं. सो ये गेम खेलने के लिए हमें वो जो कैंडी होती है वो बनानी पड़ेगी, तो मैं आपको कैंडी बनाना भी सिखाऊंगा. बहुत ईजी है और मैंने ऑफलाइन पहले ना प्रिपेयर करके देखा था कि मुझसे बन रहा है या नहीं. तो गाइज, परफेक्ट डिटो एज इट इज, जो सीरीज में है वैसी ही कैंडी बनी है. सो मैं आपको भी बनाना सिखाता हूं, आप भी अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ट्राई करना. और जो भी हारेगा उसके लिए पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होने वाली है. सो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, चलिए कैंडी बनाते हैं. ओके, सो अभी मैं जो कैंडी बनाने वाला हूँ उसे कहते हैं डेलगोना कैंडी. और ये बनाना बहुत इजी है. ऑल यू नीड इज ओके, सो ऑल यू नीड इज शुगर एंड बेकिंग पाउडर और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, देन आपकी प्रॉपर डेलगोना कैंडी रेडी है. सो चलिए कैंडी बनाते हैं. प्लीज कृपया करके अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, बीच में टुडुंग टुडुंग डन 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 करिया करे छे. ओके, सो मैं पैन के अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच शुगर लूंगा. हमें स्लोली करके शुगर को ऐसे हिलाते रहना है जब तक ये कैरेमलाइज नहीं हो जाती. ओके, सो एज यू कैन सी शुगर जो है मेल्ट होना शुरू हो चुका है. इसे कंटिन्यूस मिक्स करते रहना है. शुगर जो है पूरी तरह मेल्ट हो जानी चाहिए तो ही आपकी कैंडी प्रॉपर बनेगी. एक दाने को भी नहीं छोड़ना, एक एक दाने को चुन चुन के मेल्ट करना है. ओके, सो मेल्ट होकर शुगर का टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा. अब इसे थोड़ा गैस पे से हटा लेना है और अंदर थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर ऐड करना है. दैट्स इट, इतना ही बेकिंग पाउडर ऐड करना है और फिर थोड़ा मिक्स करना है इसको धीरे धीरे. एंड देन वापस गैस पे रखना है और मिक्स करते रहना है. एंड यस, मेक श्योर कि आप बेकिंग पाउडर ज्यादा ऐड ना करें. ज्यादा बेकिंग पाउडर ऐड करोगे तो फिर कैंडी जो है बहुत ही बिटर हो जाएगी. ओके, सो इसका टेक्सचर जो है ऐसा हो चुका है, दैट मींस कि ये प्रॉपर तरीके से रेडी है. अब इसे मैं यहाँ पे पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख दूंगा. ओके, सो इसे पार्चमेंट पेपर पे रख के 30 सेकेंड्स के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए, उसके बाद कोई भी शेप कटर लेकर आपको उसे कट करना है. यहाँ पर मेरे पास स्टार शेप का कटर है तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट करूंगा. गॉड गाइज, कितनी मेहनत लगी है कैंडीज बनाने के लिए. पहले बहुत इजीली कैंडीज बन रही थी लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कैंडीज जो है टूटे जा रही है. मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस ठंडी करके उसको ये शेप कटर से उसे कट कर रहे हैं और साइड में रख रहे हैं. बट ऑटोमेटिक पता नहीं इसके अंदर क्या आत्मा घुस गई है, पता नहीं अचानक से फूट रही है, टूट रही है. सो मतलब बहुत हमने कोशिश की, फिर जाके हमें ये एक कैंडी मिली है यहाँ पे स्टार. और यहाँ पर एक है फ्लावर, बट वो थोड़ा टूट गया है. बट इसका जो शेप है वो वैसे का वैसा मेंटेन है, सिर्फ साइड से जो है कैंडी टूटी हुई है. तो ये जिसके भी पास जाएगी वो बहुत ही लकी होगा क्योंकि उसको इतना जो पोर्शन है वो कट नहीं करना है. एंड यस, इस गेम के मैं आपको रूल्स बता देता हूँ. ये हमारे सामने कैंडी है और ये है हमारे पास निडल यानी कि सुई. और हमारे पास होगा 10 मिनट का टाइम. 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ये सुई से
इस कैंडी के अंदर जो शेप है उसको ऐसे ऐसे करके निकालना है। एंड यस वी हैव टू मेक श्योर कि जो शेप है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अगर ये क्रैक नहीं आना चाहिए, यस अगर शेप टूट गया तो आप आउट हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे और पनिशमेंट मिलेगी आपको। और पनिशमेंट आपको लास्ट में बताएंगे कि हम क्या होने वाली है। और यहाँ पर हमारे पास 3 चिट्स हैं जो डिसाइड करेगा कि किसे कौन सा शेप मिलेगा। इसके अंदर एक और वीआईपी की चिट है, तो जिसको भी वीआईपी की चिट आएगी वो डिसाइड करेगा कि सामने वाला कौन सा शेप सिलेक्ट करेगा, या कौन सा मैं करूंगा या कौन सा, यू नो। यस यस आप समझ ही गए होंगे, राइट? यस। ओके, सो 3 चिट्स हैं। चलिए चिट्स को लेट्स सी उछालते हैं, देखते हैं किसके पास क्या आता है। Oops, एक नीचे गिर गई, बट कोई बात नहीं, वापस कर लेते फिर से कर लेते हैं। VIP, yes! And मुझे स्टार आ गया। एंड ऑफकोर्स आई थिंक तू वीआईपी है तो तू वही सिलेक्ट करेगी क्योंकि ऑलरेडी आधा टूटा हुआ है। यस, सो राज के पास जो कैंडी पड़ी हुई है वो वही यूज करेगा एंड मेरे पास जो है फ्लावर शेप की, सो मैं वो यूज करूंगी। सो आई होप अभी इसमें कुछ बैठे बैठे कुछ क्रैक्स ना आ जाए, इससे पहले कुछ हो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर ऐसे के ऐसे वो पड़े पड़े टूट गई और शेप अगर खराब हो गया टूट गया तो वो तुम्हारा लक है। बट चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। एंड यस उसके पहले हम टाइमर सेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने 10 मिनट्स का टाइमर जो है सेट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। सो मेरे लिए इजी है ये, साइड के 2 पार्ट्स तो हट चुके हैं, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज राज के पास प्रॉपर शेप है स्टार, सो इजीली कर सकता है ये। गाइज ये बहुत डिफिकल्ट है, जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है ये, क्योंकि जो शेप है कैंडी का वो भी अनइवन है, तो ऊपर नीचे ये क्रैक भी हो सकता है। और इसे हाथ लगा रही तो ये हाथ में चिपक रही, मेल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द बॉडी वॉर्म। अरे वाह, आज का तो नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये मेरा इतना जो चंक है ऑटोमेटिक टूट गया है। लकीली स्टार वैसे का वैसा ही है। मैं जीत गई। बस मेरा हो चुका है, थोड़ा ही बाकी। अरे ये क्या बात हुई यार, स्टार्ट होते ही कितना, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर इसका पूरा शेप जो है निकल गया यार। फिनिशिंग टचेस दे देती हूँ थोड़े ताकि अच्छा दिखे, मेरी निडल ही बेंड हो चुकी है। अबे चल भाई, हाथ भी दर्द कर रहे हैं। प्रॉपर ना, प्रॉपर शेप आना चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर। सो गाइज अब मैं सीरीज वाली टेक्निक को यूज करूंगा। ओ ऐसी कोई टेक्निक भी है? बिकॉज मैंने अभी तक देखा नहीं और आज ने पूरा देख लिया, तो ये डिसएडवांटेज है, यू कैन डू दैट। तो मेरा डिसएडवांटेज यहाँ पे कुछ नहीं, इतना तेरा फटफट टूटा हुआ तुझे मिला। okay, वैसे भी मेरा निकल गया। हाँ निकला गाइस, मैं और टचेस दे रही हूँ इसमें। नहीं यहाँ से देखते रहे, यहाँ पे बाकी थोड़ा, यहाँ पे बाकी प्रॉपर कर्व होना चाहिए। अरे भाई ये तो हो ही नहीं रहा यार। जस्ट इमेजिन गाइस, गेम में तो ऐसा रूल है कि अगर आपका शेप टूट गया और अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुआ देन व्हाट आर यू डूइंग। तीन मिनट चले चुके हैं, चले चुके हैं, चले जा चुके हैं। आई थिंक मैं विनर हूँ एंड राज को मिलेगी पनिशमेंट बिकॉज मेरा जो है बीच का फ्लावर पार्ट निकल चुका है प्रॉपरली। राज मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इस गेम का होस्ट हूँ। ओह माय गॉड, बट आई एम ऑलमोस्ट डन नाउ। आई मीन ऑलमोस्ट क्या, मैं तो कर ही चुकी हूँ ठीक से। दिखा ओके, सो क्लियरली मैं विनर हूँ, मैंने ये बीच का पार्ट जो है प्रॉपरली कट कर लिया है। बट मैं भी पूरे शेप को निकालूंगा और फिर हम देखेंगे किसका शेप जो है प्रॉपर निकला है। व्हाट आर यू डूइंग,
मेरा प्रॉपरली शेप्ड है, आई थिंक मैं ही जीत गई हूँ, बट ये अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसे मैं भी जीत जाता मार मार के तो यार। नाइस। ओ नो, ओ मेरा जो स्टार है यहाँ से टूट चुका है और मैं हार चुका हूँ। एक्चुअली पता नहीं इसमें कौन जीता है, ये बोल रहा है कि मेरा फ्लावर का थोड़ा सा जो ये राउंड शेप है वो अनइवन है, और राज के स्टार का जो है वो भी पार्ट यहाँ का अनइवन है। एक्चुअली कैमरा यहाँ पे भी है। से हाय। अरे तो मतलब अभी क्या किया जाए इसमें, पनिशमेंट कौन जीता कौन हारा कौन। सो ना ही किसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, ना ही कोई जीतता है ना ही कोई हारता है। आई होप आपको भी वीडियो देख के मजा आया होगा, हमें भी बहुत मजा आया ये करके। कैंडीज हम लोग कब से आधा एक घंटे से बना रहे हैं और पूरा यहाँ पे जो है चिप 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 हो रहा है बिकॉज ये शुगर से बना हुआ है, यू नो। सो या आई डोंट नो क्या खेला हमने, क्या जीता क्या हारा, लेकिन वी हैड लॉट ऑफ फन। यस करेक्ट। सो आप भी इसे ट्राई करना घर पे बना के, एंड हो गया गेम खत्म। सो आप भी घर पे बना के देखना खेलना कि कैसा आपको मजा आता है। एंड यस मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपकी भी कैंडीज ऐसी बैठे बैठे पड़े पड़े यू नो क्रैक हो रही है। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये ASMR भी बहुत अच्छा लगा होगा। गेम में तो सच कुछ था ही नहीं, बट ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे जो है बहुत एक फन एंड बहुत ही पेट भरा देने वाला, आंख भरा देने वाला, दिल भरा देने वाला वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। मिलते हैं अगले संडे को, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।